कोरोना महामारी के समय अपनी जान संकट में डालकर मरीजों की सेवा करने वाले स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए सरकार ने अब पिटारा खोल दिया है, जिसके अंतर्गत ये तोहफा मिलते ही राष्ट्रीय सेवा मिशन के तहत होने वाली सीधी भर्तियों की परीक्षाओं में अब कोरोना वॉरियर्स को मेरिट और परीक्षा अंकों में बोनस अंक देने की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत उन्हें 5, 10 और 15 नंबर दिए जाएंगे। इसके लिए उनको जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से एक डिजिटल प्रमाण पत्र जारी कराना होगा, जिसमें उनको अपने कोरोना महामारी के दौरान किए गए कार्य का प्रशस्ति पत्र होगा वो मिलेगा, जिसके बाद वो परीक्षा में शामिल होने पर बोनस अंक प्राप्त कर सकते हैं। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी बरेली डॉक्टर बलबीर सिंह ने अधिक जानकारी देते हुए बताया, बहुत ही कोरोना वॉरियर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। सरकार ने हमारी एएनएम भी जो सर्विस कर रही थी, स्टाफ नर्स थी, जो एलटी हमारे थे, जो फार्मासिस्ट थे, जिन्होंने कोरोना के इतने भयंकर समस्या के से उस समय बहुत ही अपनी जान को परवाह किए वगैरह उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, उनको उन्होंने जब अभी जगह निकाली हमारी सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल ये करी है कि उनके लिए अगर उन्होंने 6 महीने तक काम किया हो तो 5% नंबर की उनको बढ़ोतरी मिलेगी, उसके अंकों में जुड़ जाएंगे। अगर साल भर की काम किया है तो उसके 10% जुड़ जाएंगे, और 18 महीने तक किया है तो उसके 15% जुड़ जाएंगे। उससे जिन लोगों ने यहाँ पर काम किया, मेहनत की, अपनी जान हथेली में लेकर के जो काम में लगे रहे, उनमें इसके प्रति बहुत ही सरकार के प्रति बहुत अच्छे उत्साह है और सरकार की बड़ी अच्छी नीति की सभी प्रशंसा कर रहे हैं, खुश हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसे लोग नौकरी अगर सरकार निकालती है उनको सबसे पहले प्राथमिकता उन्हीं को मिले। सरकार ने वही किया है जो हम लोगों की मंशा थी।